मुझे नहीं लगता मुझे ये रिश्ता करना चाहिए. What? Do you know what you say? लेकिन अब अगर मुझे किसी ने कुछ भी कहा ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं. ये हुई ना बात. और बात सुनो, टेंशन बिल्कुल नहीं लिया करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा. तो आप किसी से मोहब्बत करते हैं जी? मेरा कजिन है जुनेद, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ना सिर्फ उसी से शादी करूंगी. उसने कल छुट्टी क्यों की? मैं उससे बात करूंगा, अब तुम बेफिक्र हो जाओ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़. चाय. आपसे कुछ बात करना थी. बोलो. आला फिरदौस के आने का सुन के फयाल बहुत खुश है. मैं तो कहती हूँ अरसलान, फयाल की जो मर्जी है वो होने दे. मेरी बात सुन, जब तुम्हें कुछ पता वता होता नहीं है खामोश ना करो. मैंने कौन सी गलत बात की है? ये गलत बात ही तो क्या है? अरे तुम्हें इतनी अक्ल नहीं कि तुम्हारी शौहर की क्या क्या मजबूरियां फयाल की पड़ी हुई कि वो जो जाती है वो हो जाए. मेरा ख्याल तो आ गया, वरना मुझे तो लग रहा था कि आए गए. पता है ना कि मैं इरिटेट हो जाती हूँ, इसलिए शायद मुझे ज्यादा इरिटेट कर कि मैं भी क्या पहनूं. कौन सा कलर पहनूं, कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा? ब्लू ब्लू ब्लू. भाभी 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 प्लीज मुझे बताइए कि मैं कौन सा कलर पहनूं. नहीं यार, ये अच्छा लग रहा है, ये पहन लो. पक्का? भाभी मैं भी यही सोच रही थी. वैसे जा कहाँ रही हो? भाभी मैं कहाँ जाऊंगी, हाला जान और जुनेद ने आना है ना. पता है, मजाक कर रही थी. अच्छा मैं जल्दी से इसका दुपट्टा निकालती हूँ. जल्दी तैयार हो जाना, जल्दी आ जाओ. आ गई आप, मिल गया आपको टाइम. यार तुम्हें अम्मी के मसलों का पता तो है. खैर आज बहुत अच्छी लग रही हो. ये सब मोहब्बत का कमाल है. उफ, मोहब्बत. हाँ मोहब्बत. आज मेरी मोहब्बत मेरे घर का दरवाजा खटखटाने आ रही है और उसी के इस्तकबाल की मैं इतनी तैयार थी. अच्छा, और उस यूनानी देवता का क्या होगा जिसको तुम ऑफिस में बेइज्जत करके आई थी? कुत्तों के वास्ते ऐसा बोलो, किसी ने सुन लिया ना तो शाम बता जाएगी मेरी. अच्छा बताओ तो. पता नहीं, वैसे उनके घर से किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया. वैसे भी मुझे कोई परवाह नहीं, बस खाला जान जल्दी से आए, मेरा और जुनेद का रिश्ता पक्का करें और फिर हम उनसे निपट लेंगे. उफ, बहुत बेरहम हो तुम फरियाद. सिर्फ अपना और जुनेद भाई का ख्याल है और उसको जो बेइज्जत करके आई हो, पता नहीं उस बेचारे के दिल पे क्या गुजरी हो. अच्छा बस बस, अब ज्यादा इमोशनल करने की जरूरत नहीं है मुझे. पहले मुझे ये बताओ कि मैं लग तो सिर्फ बहुत अच्छी लग रही है आप. मुझे पता है. थैंक यू थैंक यू. और अब आप सीधी शराफत से जल्दी अंदर आ जाएं, बहुत काम है. राबिया अल्लाह ने मेरी सुन ली है,
जुनैद को नौकरी मिल गई है। और पूरे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पूरे 5 साल का। सच खाला, बहुत मुबारक हो आपको। तुम्हें भी मुबारक हो बेटा। माशाल्लाह आपने बहुत खुशी की खबर सुनाई है। अल्लाह इसके रिस्क में इजाफा करे, तरक्की दे इसे। आमीन। अरे भाई ये मिठाई हम इसी खुशी में तो लेकर आए। देखिए खाला जान, अगर शादी करनी है तो अभी करना होगी, हम 5 साल इंतजार नहीं कर सकते। असलम मैं तुमको अपनी मजबूरी बता तो रही हूँ, जुनैद को जो नौकरी मिली है इसमें इसका गैर शादी शुदा होना शर्त है। मैं इसकी शादी नहीं कभी कर सकती, वैसे भी इसी हफ्ते तो जा रहा है ये, इतनी जल्दी कैसे ये सब हो सकता है? रबी समझाओ ना तुम अरसलान को। वैसे आपा, अरसलान की बात गलत भी नहीं है। और इस बात की क्या गारंटी है कि 5 साल के बाद आप शादी के लिए हामी भर लें? अरसलान भाई जबान दी हमने। मुझे किसी के जबान पे एतबार नहीं है, अगर निकाह करना है तो अभी करनी होगी। बहुत देखे इस तरह के लोग। भाई अगर धोखा देना हो तो निकाह के बाद भी दिया जा सकता है। वैसे राबिया ये बात करने का कोई सही तरीका नहीं है, इतनी बेएतबारी। बेएतबारी तो आप लोगों की बातों से हो रही है। ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, हमें भी कोई शौक नहीं है इस तरह से बेअरा जाने का। तुम ऐसा करो अपनी फरियाल का रिश्ता कहीं और पक्का कर दो। चलो जुनैद। आपा मेरी बात तो सुने। बस रहने दो, इतनी बातें सुन ली इतनी काफी। ये मिठाई हम इतनी खुशी में लेकर आए थे, ये नहीं कि 4 बोल तुम खुशी के ही बोल देती। अम्मी चलो जुनैद। तुम जा रहे हो? कितना इंतजार करोगे ना? किस उम्मीद पे? मोहब्बत की उम्मीद पे। जुनैद अगर मोहब्बत को किसी रिश्ते में ना बांधा जाए तो वो उम्मीद नहीं धोखा बन जाती है। तुम समझते हो कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? भाई भाई की बात क्यों नहीं मान लेते हो? तुम मेरी बात मान जाओ ना। वाह, मैं लड़की हूं और सारा बोझ तुम मुझ पर डाल रहे हो, सारी जिम्मेदारी मेरी। अपने घर वालों से मैं लड़ू, उनको मनाऊं, तुम्हारा इंतजार भी मैं करूं, और तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? फरियाल मेरी 3 बहनों की जिम्मेदारी मुझ पर है जो कि मुझे ही पूरी करनी है। ठीक है, तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ और मेरे भाई को मेरी जिम्मेदारी निभाने दो। तुम मेरा इंतजार नहीं करोगे? नहीं, मैं वो करूंगी जो मेरा भाई मेरे लिए ठीक समझता है। तुम्हें तुम्हारी नई नौकरी मुबारक हो। Thank you.
सुन ली खाले जान की बात है, असल में उनकी नीयत ही नहीं थी। सब समझता हूं मैं। अब जुनैद की नौकरी बाहर लग गई ना तो खाले जान का दिमाग सातवें आसमान पे है। मुझे फिरदौस आपस से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। मिठाई देखकर तो मैं समझी कि वो फरियाल के रिश्ते की बात करेंगी, लेकिन उन्होंने तो हमारे जिक्र करने पे बात शुरू की। अरे अभी छोड़े ये बात, मैं पहले जानता था। फिरोज साहब का फोन आया था, पूछ रहे थे कि हमने क्या सोचा है। ये लो फरियाल आ गई, अब तुम खुद ही इससे बात कर लो। बैठो फरियाल। देखो फरियाल, जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे सामने, और अगर अभी चाहती हो तो मैं जाकर खाला जान के पांव पकड़ लेता हूँ। नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं। आपने जो फैसला किया है मुझे कबूल। तुम सच कह रही हो? दिल से ये बात कह रही हो? जी। अब देख लो, अरे बहुत खुश रहोगी तुम, हम सब तुम्हारा भला चाहते। मैं जरा फिरोज साहब को फोन करके बाकी मामला तय करता हूँ। सलाम, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, वो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। देखें सारी बातें फोन पे तो नहीं हो सकती ना, मैं घर पे आके बात करूंगा। हाँ हाँ, फोन करके आऊंगा, डोंट वरी। ओके, खुदा हाफिज। मुबारक हो भाई, लड़की वालों ने हाँ कर दी है। अब तुम लोगों ने शादी पे आना है, बहाना कोई नहीं चलेगा कि बच्चों की पढ़ाई है, इम्तिहान है, हम नहीं आ सकते। भाभी और बच्चों के साथ आना है। यस हाँ, और जैसी डेट तय होती है ना मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके बाय। क्या बात है बाबा, काफी खुश लग रहे हैं। वो लड़की वालों ने हाँ कर दिया ना। तो पहले उन्होंने ना की थी क्या? नहीं नहीं, वो कोई मसला था तो उसका भाई कोई साफ जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन अब उसने फोन करके हाँ कर दिए। देखो मैं चाहता हूं कि एक बार तुम उस लड़की से मिल लो। बाबा जो भी कुछ करना है आप नहीं करना है। हाँ मैं नहीं करना है, तुम ऐसा करो तुम घर पे ही रहना, मैं थोड़ी देर में आता हूं। ओके बाय। जुनेद, ये लो। क्या लेने आई हो? तुमसे क्या लेने आऊंगी, जाहिर है हमेशा की तरह कुछ देने ही आई हूँ। क्या ये? खीर, तुम्हें बहुत पसंद है ना? मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, तुम्हें सरोकार नहीं होना चाहिए। मोहब्बत में सरोकार कैसा, खलूस देखा जाता है, और उसी खलूस के साथ में तुम्हारे लिए मीठा लेकर आई हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी पुरखलूस मोहब्बत, समझे तुम? हाँ मैं तो समझ जाऊंगी, लेकिन इस दिल को कैसे समझाऊं? कांडली अपने इस दिल को समझाइए आप, और हकीकत पसंद रहे। यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, जब हकीकत का सामना करते हैं तो हकीकत को तस्लीम भी करते हैं, जो कि लगता है अभी तक तुमने नहीं किया। मुझे मोहब्बत और हकीकत का सबक मत पढ़ाओ, मैं अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह जानता हूँ।
तुम्हारे भाई के ऊपर हवा कौन सा भूत सवार रहता है? क्या मतलब? जब देखो बेरुखी, कभी सीधे मुंह जवाब ही नहीं देता यार। तुम्हें पता तो है, जब से फरियाल का रिश्ता कहीं और लगा है, भाई तो भाई नहीं रहे, पत्थर के हो गए। समझ सकती हूँ। चलो उठो, तुम्हारे ससुर आने वाले, तैयार हो जाओ। कौन से ससुर? तुम्हारे होने वाले ससुर। भाभी पसंद तो कर लिया है ना उन्होंने मुझे, अब क्यों आ रहे हैं? चाहते क्या है, प्रॉब्लम क्या है उनकी? अरे बेवकूफ, तुम्हें शॉपिंग पे ले जाने के लिए आ रहे हैं, और मुझे तो पता है तुम्हें शॉपिंग का कितना क्रेज है। जल्दी जल्दी से तैयार होके आ जाओ, ठीक है? यूं सोग बनाने से क्या होगा ना, मैं मासी को बदल सकती हूँ और ना ही मुस्तकबिल पे मेरा कोई इख्तियार है, तो फिर मैं अपने हाल को क्यों बर्बाद करूं? मैं भी जुनैद को बता दूंगी कि दुनिया उस पे आकर खत्म नहीं हो जाती। अब मैं खुश रहूंगी। हाँ ठीक है, मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। चलो तुम कोऑर्डिनेट कर लेना उससे, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मेरी बात सुनो, मैंने सुना है कि तुम मुल्क छोड़ के फरार हो रहे हो, क्या सही सुना है मैंने? कहीं मुझसे तो नहीं भाग रहे? हाँ शायद इस तरह मेरी तुमसे जान छुट जाए, ना तुम होगी ना तुम्हारी फजूल बातें। क्या इतनी बुरी लगती हो? हाँ शायद। तुम्हें मुझ पे तरस नहीं आता कि तुम्हें मेरा एहसास नहीं है? मुझे किसी का एहसास नहीं है, क्योंकि मेरा एहसास कोई नहीं करता सिवाय मेरे। जुनैद मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तो मैं क्या करूँ, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? भाभी मैं उनके साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ, उनके वलीमे में नहीं जा रही। चलो मेरी चुलबुली फरियाल वापस तो आई, ऐसे ही हंसती रहा करो। अच्छा चलो ना तैयार हो जाओ, आ जाओ। मोहब्बत हार कर इंसान कुछ तो हासिल करता है, मैं भी बहुत खुश हूँ सब कुछ पाकर। अधूरे हो तुम, अधूरे हैं। आओ बेटा आओ। अरे तुम तो कुछ घबराई घबराई से लग रही हो। दानियाल को मैंने खुद घर पर बुलाया ताकि शादी से पहले एक तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। देखो तुम घबराना नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आओ। जमीला जमीला यह है हमारा घर, और दानियाल से तो तुम मिल ही चुकी हो। अब देखो वन मिनट, एक्सक्यूज मी जस्ट वन। हेलो, हाँ क्या बात है? बहुत खामोश लग रही हैं आप। तो क्या बात करूं, बात करने को रह ही क्या गया है? क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया?
आप तो बहुत बहादुर लड़की हैं, अपने हक के लिए कुछ भी कर सकती हैं। बहादुर तुम्हें अब भी, लेकिन जिसके लिए लड़ रही थी अगर वही पीछे हट जाए तो हक कैसा? क्या मतलब? मतलब ये कि जुनैद को मुझसे ज्यादा उसकी नौकरी प्यारी थी। खैर छोड़े ना इन सब बातों को, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। और वैसे भी आपका शुक्रिया, आपने भाई को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, अगर बता देते तो मेरी शामत आ जाती। शामत तो आपकी मैं भी लगा सकता हूं, क्योंकि मैं आपके पहले प्यार के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं। अगर ऐसी बात है तो इनकार कर देना आप। वैसे भी अगर आपको पहले से सब कुछ नहीं पता होता ना, तो मैं शादी के बाद आपको बता दे। ये आप ही का घर है? जी मेरे पापा का है। ठीक ही है, फिरोज अंकल तो अजीब ही इंसान है, कीमतें कमी नहीं करवाते। अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। राज करोगी बेटा तुम, राज करोगी। ऐसे ही तो तुम्हारे भाई नहीं चाहते तुम्हारी शादी इस घर में हो, वो तो चाहते हैं उनकी इकलौती बहन राज करे। और वो खाला फिरदौस, वो कराती तुम ऐसी शॉपिंग? सारे खानदान में कंजूस मशहूर हैं। नाइमा इस वक्त उनका जिक्र क्यों कर रही हो बेटा? अम्मी भाभी ठीक ही तो कह रही हैं, अगर फिरदौस खाला अभी मुझे शॉपिंग कराने लेकर गई होती तो पूरा वक्त दुकानदारों से कीमतों पर बहस करती है, और वापस लेकर आती तो वो भी खाली। अच्छा अब छोड़ो इन बातों को, ये सारा सामान उठा और अलमारी में बंद करो, बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। नाइमा अरसलान से कहो कि मेहमानों की लिस्ट बना ले। अम्मी लिस्ट तैयार है, लेकिन उसका खाला फिरदौस का नाम नहीं डाला है। अच्छा क्यों, उनका नाम क्यों नहीं है लिस्ट में? उन्हें आपने इनविटेशन भेजना है। मगर बेटा, मगर वगर कुछ नहीं अम्मी, उनकी फैमिली मेरी शादी पे जरूर आएगी, आपने उन्हें इनविटेशन भेजना है। मैं क्यों रो? रोना तो उसे चाहिए जिसने मेरा साथ खो दिया। वो जो स्टार एंटरप्राइजेस का चेक था वो तुमने एंटर किया था कि नहीं? नहीं किया ना? देखो यही गड़बड़ करते हो तुम। पापा एक सेकंड होल्ड करना। हाँ पापा, आपने फरियाल को सब कुछ बता दिया था ना? हाँ हाँ बता दिया था, और मैंने तुम्हें भी बता दिया था। पता नहीं मुझे वो कोई खास कुछ नहीं लग रही। गलत फहमी है तुम्हारी,
भाई देखो, उसके भाई को बता दिया है, उसने अगर अपनी बहन को नहीं बताया तो ये उनका मामला है, वो खुद ही निपटेंगे, तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है। हाँ नहीं किया ना, देखो ये छोटी छोटी गलती है ना, बाद में जाके बड़ी प्रॉब्लम करती है। हाय फरियाद, कितनी कीमती चीजें हैं, तुम्हारी तो मौजी हो गई। मोहब्बत हार कर इंसान कुछ तो हासिल करता है। मैं भी बहुत खुश हूँ सब कुछ पाकर। देखो फरियाल, जब जुनेद को तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम उसका रोक लगा के दिल को क्यों बैठी हुई हो? तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हें उसको भूल जाना चाहिए। अब भूल जाऊंगी, मैं किसी की जिंदगी में किसी और की परछाई लेकर नहीं जाना चाहती। और अब एक फैसला कर ही लिया तो उसको ईमानदारी से निभाऊंगी। फरियाल तुम देख लेना, तुम वहां पे बहुत खुश रहोगी, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। खुश रहूंगी या नहीं रहूंगी का तो पता नहीं है, लेकिन अब चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो, रहना दानियाल के साथ ही। मेरा सूट किस का है? भाई वो मैंने आपका निकाल कर रखा हुआ है रूम में, बस कपड़े भी मैंने प्रेस कर दिए, बस ये करके मैं रख देती हूँ। वो राबिया का फोन आया था, फरियाल की कल माइयो है, आने की दावत दे रही। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये कोई और ही चक्कर है, वरना सिर्फ 5 साल का ही तो अरसा मांगा था ना, सबर नहीं हुआ उनसे। अम्मी 5 साल का अरसा बहुत ज्यादा होता है, इतने अरसे में बच्चे जवान हो जाते हैं। वैसे अम्मी हम कल माइयों में जाएंगे ना? मेरा बिल्कुल कोई मूड नहीं है वहां जाने का। वैसे अरसलान इतनी बातें सुनाकर गया। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें जाना तो चाहिए, आखिर पता तो चले कि फरियाल के लिए कौन सा लड़का पसंद किया उन्होंने। वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ये मैं बाद में सोचूंगी, अभी तुम जाओ भाई के साथ जाके उसकी पैकिंग में मदद करो, मैं हांडी देख रही। फरियाल अब जल्दी भी कर लो, और कितना तैयार होगी तुम, तुम्हारे ससुराल वाले भी आने वाले हैं। देखो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो तुम तो। प्यारी लग रही हूँ? जर्दी की प्लेट लग रही हूँ मैं अभी? क्या 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 कहा तुमने, आईना नहीं देखा? देखो आईना, कितनी हसीन लग रही हो तुम। मुझे छोड़े, पहले आप मुझे ये बताएं कि आप क्यों नहीं तैयार हुई। अरे भाई तुम्हें देखने आई थी तुम तैयार हुए कि नहीं। देख काम पड़े, तुम्हारे ससुराल वाले भी आने वाले। अच्छा भाभी मुझे ये बताएं, दानियाल भाई भी आएंगे क्या? शायद। वैसे एक बात है भाभी, फरियाल और दानियाल भाई की जोड़ी इतनी अच्छी लगती है, ऐसे लगता दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये बात तुम्हें कैसे पता? तुमने कहा देखा दानियाल को? ये क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं, मैं तो बस पजामा ठीक करी। वो भाभी आप और आंटी उनकी इतनी तारीफ करती हैं ना, तो मैंने सोचा वो डेफिनेटली हैंडसम ही होंगे।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? समरा से मिलने आई थी, लेकिन लगता है घर पे कोई नहीं है। वो सब फरियाल की मेहंदी में गए। ओ, तुम क्या घर पे कर रहे हो? तुम्हें भी जाना चाहिए था। यार हमदर्दी में बोला है, अब इंसान हमदर्दी में भी कुछ नहीं कह सकता। मुझे किसी अरे गरे की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं कोई अरे गरे नहीं हूँ, तुम्हारी पड़ोसी हूँ और तुम्हारी बहन की दोस्त हूँ, और सबसे बड़ी बात तुम्हारी बागवेश्वरी हूँ। मुझे अपने लाइफ में फजूल रिश्तों की जरूरत नहीं है। नींदें हराम हुई मेरी, जिंदगी असाब में आई मेरी। पता नहीं, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। जाना तो सभी को है एक दिन इस दुनिया से। कुछ लोग लाहा से इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन जुनेद मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता। देखो यानी मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ। कदर ही तो नहीं की तुमने। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी जिंदगी में फरियाल के अलावा किसी का तसव्वुर तक नहीं है। और मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी का तसव्वुर नहीं है। तुम सब जानते हो जुनेद, आज फरियाल की मेहंदी है, कल उसकी शादी है। उसे उसके हाल पे छोड़ दो, उसको अपनी जिंदगी जीने दो और खुद भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। नहीं जीनी मुझे ऐसी जिंदगी जिसमें फरियाल ना हो। फरियाल नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना तुम्हारी जिंदगी में, मुझे अपना लो। प्लीज खुदा के लिए बस कर दो। हाँ भाई हैंडसम तो बहुत है, वो अपना फिल्मी हीरो नहीं शान, बिल्कुल इस जैसा लगता है। तुम्हें पता है शान से, भाभी को ना हर हैंडसम लड़के में शान दिखता है। अरे तुम लोगों ने मुझे क्या बातों में उलझा दिया है, मुझे भी तैयार होना है। शान से तुम इसे लेके बाहर जल्दी से आओ। ठीक है। क्या कर रही हो? अभी मरवाती थी तो मुझे। मैं भूल गई थी, सॉरी। फूल पहनने? नहीं। ठीक है। अम्मी सुने, आपने लड़का देखा, कितना हैंडसम था, किसी फिल्मी हीरो की तरह लग रहा था। मुझे तो उसका बाप भी बाप नहीं लग रहा था, बड़ा भाई लग रहा था। अम्मी आपने कपड़े और जेवर देखे थे, कितने कीमती थे। फरियाल की तो लॉटरी निकल गई, काश ऐसी लॉटरी हमारी भी लग जाए। क्या हो गया तुम दोनों को, इतनी जल्दी हर एक से मुतासिर हो जाती हो। मुझे तो कोई ऐसी बात नहीं लगी, बल्कि लड़का उम्र का बड़ा ही लग रहा था। ठीक है अम्मी, आपके होने वाले दामाद से तो एटलीस्ट कम उम्र ही है। बेटा ना शुक्रपना नहीं करते, दूसरों को देखकर जलते नहीं है। शुक्र अदा करो, तुम्हारा होने वाला शोहर भी किसी से कम नहीं, बहुत खूबसूरत है वो भी। फालतू की बातें किए जा रही हो, मुझे अपने बेटे की फिक्र है, उसने पता नहीं खाना भी खाया या नहीं। तुम दोनों भी ना, खाला फिरदौस और उनकी बेटियों की हालत तो देखने वाली थी। दानियाल को देख के तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अल्लाह हासिदों की नजरों से मेरी बच्ची को बचाए। और वो साजदा है ना, वो तो इतनी जल्दी बुनी हुई थी कि फिरदौस खाला से कहने लगी जरूर कोई चक्कर है। यकीन है लड़के में कोई ऐब है जो उन्होंने फरियाल को पसंद किया, ये रास्ता शादी के बाद ही पता चलेगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, ये बकवास की है साजदा ने। इसीलिए मैं कह रही थी कि उन लोगों को शादी में मत बुलाओ, उन लोगों से मेरी बेटी की खुशी नहीं देखी जाएगी। खामखामे नजर लगा देंगे मेरी बच्ची को। और हमारी फरियाल तो इतनी प्यारी लग रही थी, दिल चाह रहा था काला टीका लगा दूं। अम्मी आप उनकी बातों को दिल पे क्यों ले रही हैं? जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, किसी की नजर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन फरियाल, साजदा को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। किन बातों पे गौर करिए आप, छोड़े ना इन सारी बातों को। और वैसे भी
अगर दानियाल में कोई ऐब है भी तो आपकी फरियाल आपकी इज्जत की खातिर उसके सारे ऐब छुपाएगी। आप टेंशन ना लें। और भाभी प्लीज मुझे एक कप चाय बना दें। ठीक है। जुनेद बेटा क्या हुआ, इतना अंधेरा करके क्यों बैठे हो? नहीं कुछ नहीं। आपको पता है जुनेद भाई, इतना अच्छा फंक्शन था कि क्या बताऊं आपको। और फरियाल का होने वाला दूल्हा इतना हैंडसम और स्मार्ट है ना, बस बस कर दो, इतना स्मार्ट और हैंडसम मिलता जितनी तुम तारीफों के पुल बांध रही हो। तुम तो बस ही कर दो। वैसे अम्मी मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है ना, हैंडसम और अमीर बंदा फरियाल के साथ शादी। अरे दफा करो, हमें क्या अमीर हो या गरीब। बेटा तुम ये बताओ, तुमने खाना खाया? नहीं माँ। खा लेना था ना, जाओ बेटा जाओ, जाकर भाई के लिए खाना गर्म करके लाओ। आपने देखा था फरियाल कितनी खुश थी, कैसे हंस हंस के वो लोगों से बात कर रही थी, जैसे उसको जुनेद से शादी ना होने का गम ही नहीं है। उससे क्यों अफसोस होगा भला, इतना हैंडसम और स्मार्ट दूल्हा मिला है उसे। अरे भाई बस करो, तुम दोनों क्या उन्हीं लोगों के पीछे पड़ गई हो? मुझे तो बिल्कुल फजूल किस्म के लोग लगे। बेटा तुम बिल्कुल दिल पे मत लो, तुम देखना मैं तुम्हारे लिए फरियाल से अच्छी लड़की ढूंढूंगी। आपसे किसने कहा मैं दिल पे ले रहा? उसकी शादी अमीर से हो या गरीब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे आप लोग? अब ये क्यों इतना गुस्सा हो रहा है? कुछ नहीं, जब इस मुल्क से बाहर चला जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, भूल जाएगा सब कुछ। तुम जाओ देखो उसने खाना गर्म किया। जी अम्मी। बहुत बहुत मुबारक।